हाय फ्रेंड, आई विकास प्रजापति और आप लोग सुन रहे हैं कहानियां जो आपकी जिंदगी बदल दे। एंड मोस्ट वेलकम टू स्टोरी नंबर 11। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्टेड। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा वो एक स्कैम बिजनेस की कहानी सुनाऊंगा। स्टोरी के एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड। अगर आपसे कोई भी पॉइंट मिस होती है तो आपको पूरी स्टोरी नहीं समझ में आएगी। तो होता क्या है दोस्तों, एक गांव में बहुत सारे बंदर रहते हैं और उसी गांव में एक शहर का आदमी आता है और गांव वाले से बोलता है, मैं यहां बंदर खरीदने आया हूं और मैं आप लोगों को एक बंदर का 10 रुपये दूंगा। सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और काम में लग जाते हैं और शहर का आदमी 10 रुपये के हिसाब से टोटल 1500 बंदर खरीद लेता है। अब गांव में बंदरों की संख्या कम हो जाती है और गांव वाले बंदर की सप्लाई भी कम कर देते हैं और धीरे धीरे बंदर पकड़ने का प्रयास भी बंद कर देते हैं। जैसे ही ये बात शहर के आदमी को पता चली, वो गांव में अनाउंस करवा देता है, अब वो एक बंदर 20 रुपये में खरीदेगा। ऐसा सुनते ही गांव वाले फिर से बंदर पकड़ने की तलाश में लग जाते हैं। तो अब क्या होता है दोस्तों, बंदर की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो लोगों को लगता है 20 रुपये भी एक बंदर के लिए बहुत कम है। तो वो लोग बंदर पकड़ने का काम छोड़कर अपने घर के काम में लग जाते हैं। शहर के आदमी को ये बात फिर से पता चलती है, अब गांव में बंदरों की तादाद बहुत कम हो गई है। तो उसने गांव में फिर से अनाउंस करवाया, वह एक बंदर का 25 रुपये देगा। अब गांव के कुछ लोग बहुत मेहनत करके 2-4-10 बंदर जो भी बचे रहते हैं उन्हें बेच देते हैं। अब शहर का आदमी फिर से अनाउंस करवाता है, अब वह एक बंदर का 50 रुपये देगा, लेकिन इस बार बंदर खरीदने का काम उसका असिस्टेंट करेगा क्योंकि उसे किसी महत्वपूर्ण काम के लिए शहर को जाना है। और फिर क्या होता है दोस्तों, शहर वाले आदमी की गैर मौजूदगी में उसके असिस्टेंट ने गांव वाले से कहा, वो पिंजरे में बंद बंदरों को 35 रुपये में खरीद लें और जैसे ही उसका मालिक शहर से आए तो उसे 50 रुपये में बेच दें। फिर क्या था दोस्तों, गांव वाले के पास जो भी पैसा था, जितना भी पैसा था, अपना सब पैसा बंदर खरीदने में लगा देते हैं। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ना तो कभी शहर का आदमी दिखा ना ही उसका असिस्टेंट, बस चारों तरफ बंदर ही बंदर थे। देन व्हाट इज मोरल ऑफ दिस स्टोरी माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, कभी कभी हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है, कई स्कैम कंपनियां हमारे सामने आती हैं जिसमें बिना काम किए हमें अच्छा पैसा आता दिखता है और हम लालच में आकर, हम क्या कई अच्छे अच्छे लोग लालच में आकर अपने दिमाग की ना सुनकर उस लालच में फंस जाते हैं और हम अंदर से खुद ही नहीं संतुष्ट होते हैं और हमारा दिल भी कहता है कुछ तो गड़बड़ है, पर हम ये सोचकर पैसा लगा देते हैं, कंपनी एक साल में नहीं भागी तो मेरा पैसा तो निकल ही जाएगा। नो डाउट दोस्तों, कई लोगों का पैसा निकल भी जाता है। जहाँ एक आदमी का फायदा होता है वहीं 10 लोगों का नुकसान भी होता है माय डियर फ्रेंड। यदि आप अपने लाभ के लिए किसी ऐसे कंपनी से जुड़ते हैं जिससे आप खुद ही संतुष्ट ना हो, आप कई लोगों को नुकसान भी कराते हैं और अधिकतर नुकसान उठाने वाले लोग आपके करीबी होते हैं माय डियर फ्रेंड। इसलिए कभी भी ऐसे लुभावनों वादों में मत आइए, आप तो पैसे गंवाएंगे ही, साथ में आपके रिश्ते में दरार भी पड़ जाएगी। और अब जब भी कोई आपसे बिना मेहनत के पैसा कमाने की बात करे तो स्टोरी जरूर सुना दीजिएगा। बस मैं लास्ट में आपसे इतना कहना चाहूंगा, बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट, सॉल्ट एंड शुगर लुक्स द सेम। सावधान रहें, आप किस पर भरोसा करते हैं, नमक और चीनी एक समान दिखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट डे नई वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बार फिर से वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।